डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। प्ले स्टोर पे आप लोगों को ये एप्लीकेशन नजर आ जाएगी, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पहले से इंस्टॉल की हुई है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सबसे लास्ट में नजर आ जाते हैं डोंट शो अगेन, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आप लोगों ने सबसे लास्ट वाले यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शन नजर आ जाते हैं यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाता है साइन अप वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इन तीनों टर्म एंड कंडीशन को आप लोगों ने यहाँ से अप्लाई कर देना है। इन तीनों पे आप लोगों ने यहाँ से टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी लगानी है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लगा देता हूँ। ईमेल आईडी लगाने के बाद यहाँ नीचे आप लोगों को नजर आ जाते हैं सेंड कोड वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से थोड़ी देर लोडिंग होगी, आप लोगों ने थोड़ी देर वेट करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड सेंड टू यूर ईमेल, यहाँ से आप लोगों ने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने अपना ईमेल चेक करना है, तो यहाँ से मैं अपना ईमेल ओपन कर देता हूँ। फ्रेंड तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हैंडी की तरफ से हमें एक ईमेल रिसीव हुआ है। मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे अब लोडिंग हो रही है, थोड़ी देर आप लोगों ने वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों के सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन नाउ साइन इन विद योर न्यू अकाउंट। तो यहाँ से आप लोगों ने अब बैक जाना है हैंडी हैंडी पे एप्लीकेशन की तरफ, आप लोगों ने वापस जाना है और कंप्लीट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों से यहाँ पे नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नंबर लिखना है। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना नंबर लिखना है, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद यहाँ नीचे आप लोगों को नजर आ जाते हैं कन्फर्म वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी देर वेट करना है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे कन्फर्म वाला ऑप्शन दोबारा आएगा, यहाँ से आप लोगों ने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नंबर पे कोड रिसीव होगा, तो यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो कोड हमें रिसीव हुआ है 87 11 87 33, ठीक है। तो ये कोड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 11 87 33, ये कोड हमें यहाँ पे रिसीव हुए। कोड लगाने के बाद यहाँ से आप लोगों ने कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटेड यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब आप लोगों ने अपना पासवर्ड लगाना है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद आप लोगों ने अपने पासवर्ड को दोबारा से यहाँ नीचे से कंफर्म करना है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग होगी, आप लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपना एक पिन कोड लगाना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिन कोड जनरेशन, यहाँ पे आप लोगों ने अपने 6 अंकों का पिन कोड लगाना है। तो यहाँ पे मैं पिन कोड लगा देता हूँ और यहाँ नीचे से आप लोगों ने अपना पिन कोड कंफर्म कर लेना है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों कोड मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ नीचे से कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूजर नेम लिखना है, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम लिख देता हूँ। यूजर नेम लिखने के बाद यहाँ नीचे से आप लोगों ने रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 100 हैंडी रिसीव, यहाँ पे आप लोगों को 100 हैंडी मिल जाएंगे। और यहाँ नीचे से आप लोगों ने क्लिक करना है हैंडी पैक स्टार्ट पे। हैंडी पैक स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है, तो रेफरल कोड मैं आप लोगों को बता देता हूँ और स्क्रीन पे शो भी करवा